और मैं हूं आपके साथ राही कपूर और आज इंडियन आर्मी की तरफ से जो है एक एथलेटिक मीट करवाया जा रहा है और इसका वीडियो जो है वो हम आपको पूरा दिखाएंगे। आज डे फर्स्ट है और डे फर्स्ट में क्या कुछ जो है वो बच्चे कर रहे हैं वो पूरी एक्टिविटीज़ आपको बताएंगे। और ये पहली बार इस इलाके में भारतीय सेना की ओर से जो है ये एथलेटिक मीट करवाया जा रहा है जिसमें डिफरेंट गेम्स जो हैं वो उसमें जो बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। लाइक जैसे बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, सबको जो है वो एक मौका दिया है इंडियन आर्मी ने। और आप इस व्लॉग में जो है मेरे साथ जुड़े रहिएगा, अभी आपको वो पूरा सब हम दिखाते हैं कि किस तरीके से बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। का नाम है यहाँ पे स्ट्रेन का मतलब ये होता है कि आपका मसल या फिर टेंडन, टेंडन समझते हैं? तो जो आपकी मसल होती है वो आपकी हड्डी से टेंडन के थ्रू जुड़ी होती है। तो टेंडन में चोट लगना या मसल में चोट लगना उसको बोलते हैं स्ट्रेन। मतलब सिर्फ पी और टी का फर्क है, ठीक है? पहला वाला क्या था? स्प्रेन। दूसरा है स्ट्रेन। सबसे लास्ट जो इंजरी आती है जो ना है फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर का मतलब होता है हड्डी का टूटना। तो हड्डी दो तरह से टूट सकती है, या तो टूट के चमड़ी से बाहर आ जाए उसको बोलते हैं ओपन। तो आपको क्या करना है? तो एक बहुत सिंपल सा निमोनिक है, यहाँ पे सब देख पा रहे हैं? यस सर। क्या लिखा है ये? इसको बोलते हैं राइस। तो राइस की जो फुल फॉर्म है वो सभी आज यहाँ से आज जब जाएंगे के बाद सब याद करके आराम, ठीक है? नंबर दो पर है धराना। नंबर चार पर चलते हुए नंबर दो पर है धराना। नंबर चार पर चलते हुए सबसे आखिरी में गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में स्कूल के कोचर प्लीज इधर ना
हेलो, मेरा नाम खुशी अफ्ताज है, मैं 9th क्लास में हूँ। मैं गवर्नमेंट मेडल गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल से आई हूँ। तो आज हमारे यहाँ पर आर्मी ने एक फंक्शन रखा, एक परफॉर्म रखा है जहाँ पर गेम्स होती हैं। आज पहली बार हमारे मेंटर में ऐसा परफॉर्म हुआ है। यहाँ पे जैवलिन थ्रो, रेस वगैरह वैसी गेमें हैं, और मैं गवर्नमेंट से विश करती हूँ कि वो आगे भी ऐसी गेम चलाएं और हमें आगे जाने का मौका दे, ताकि हम आगे भी और गेम्स खेल सकें। हेलो, मेरा नाम मैविश नकी है, मैं 10th क्लास में से गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल से हूँ। और हमें ये अच्छा लगा कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने सब कुछ रखा है हमारे लिए, रेस जैसे जैवलिन थ्रो होगी, बहुत सारी गेम्स है, और हमें मौका मिलना चाहिए आगे जाने का, और खास करके लड़कियों को आगे जाने का मौका मिलना चाहिए। मेरा नाम मुस्तफ़ा अली रहमान है, हम डराना हाई स्कूल से आए हैं। यहाँ पर हमने पार्टिसिपेट किया है और यहाँ पर आर्मी की तरफ से बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया हुआ है, जैसे कि रेस वगैरह और लॉन्ग जंप वगैरह और सभी, मतलब बहुत ही अच्छा जगह यहाँ पर किया हुआ, हमने पार्टिसिपेट किया यहाँ पर। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमें ऐसे आगे जाने के मौके मिल रहे हैं। सर, ये आर्मी इवेंट है, ये पहली बार ही हुआ है यहाँ पर, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि गर्ल्स के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ रूल निकाला, और हम चाहते हैं आगे भी ऐसा कुछ करें। और आज यहाँ पर चल रहे गेम्स आप देख भी सकते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। ये पहली बार इंडियन आर्मी की तरफ से इस मेंडर जोन में एथलेटिक मीट किया जा रहा है। इसमें 5 स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनमें गर्ल हाई सेकेंडरी, बॉयज़ हायर सेकेंडरी, गर्ल्स हाई स्कूल डराना, गोलद और सखी मैदान के बच्चे जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। तो सभी बच्चों में बहुत खुशी महसूस हो रही है कि पहली बार ये एथलेटिक मीट इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। तो हम इनसे, आर्मी वालों से ये फिर भी गुजारिश करेंगे कि ऐसे प्रोग्राम जो है बार बार कंडक्ट करते रहें, ताकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्पोर्ट्स में यूटिलाइज हो सकें और ड्रग्स वगैरह की बीमारियों से ये दूर रह सकें। थैंक यू। थैंक यू। इस समय हम मेंडर के ओपी हिल स्टेडियम में हैं, जहाँ पर एस ऑफ स्पेड्स गनर की ओर से भारतीय सेना ने स्कूली बच्चों के लिए एक एथलेटिक मीट का जो है वो आयोजन किया है। ये कार्यक्रम 2 दिन चलना है और आज इसका फर्स्ट डे था, जहां पर बच्चों ने काफ़ी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। और फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ये मेंडर में एथलेटिक्स का जो है ये कंसेप्ट, फर्स्ट टाइम जो है आर्मी ने एक प्लेटफॉर्म दिया है बच्चों को, ताकि बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करके एक जो है अपनी प्रतिभा को उजागर करें, अपनी प्रतिभा दिखाएँ, क्योंकि ये मंच यहाँ के बच्चों को मिलना बेहद ज़रूरी था। क्योंकि दूर दराज के इलाके, चाहे वो सीमावर्ती क्षेत्र हो, बॉर्डर के इलाके हो, और वहाँ पर जो है काफ़ी बच्चों में एक टैलेंट तो है, लेकिन उनको एक मंच प्रोवाइड करना ये एक बहुत बड़ी बात है। साथ में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है वो लगातार भारतीय सेना की ये कोशिश है कि इन बच्चों को उसके साथ मतलब एंगेज रखा जाए, ताकि आज नशे की तरफ जो युवा जा रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं, उनको वहाँ से निकाल कर, यानी उस रास्ते से हटा कर स्पोर्ट्स की तरफ लाया जाए, ताकि वो अपनी प्रतिभा को दिखा कर अपने इलाके का, अपने देश का नाम रोशन करें। आज यहाँ पर 5 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर गर्ल्स जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मौका मिला है, उन्होंने भी अपनी अच्छी जो है अपनी प्रतिभा दिखाई है, और गर्ल्स को लेकर काफ़ी आज महिला छात्राएं जो है वो किसी से कम नहीं है, जिसकी मिसाल जो है वो भारतीय सेना ने पेश करते हुए इन महिला गर्ल्स को जो है वो यहाँ पर एक मौका दिया, जिसमें उन्होंने रनिंग की या और एक्टिविटीज जितनी भी थी स्पोर्ट्स को लेकर वो सब दिखाई है। भारतीय सेना का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। आज डे 1 का ये अपडेट था, और जितने भी ये आप लोग वीडियो देख रहे हैं, कल आप फाइनल मैच देखने के लिए मेंडर के ओपी हिल स्टेडियम आ सकते हैं। ये कार्यक्रम एस ऑफ स्पेड्स गनर की, मेंडर गनर्स यानी भारतीय सेना की तरफ से करवाया जा रहा है।